welcome back guys to the super quick revision series that we all have started now this is still continuing with standard costing is a big chapter okay so uh, let's do the things <laughs> till now we all have done almost all the types of questions, all the strategy based questions also so then we started away to do the questions which were all missing figures in missing figure this was supposed to be the first of that particular series whereby upne pass actual data tha apne variances the और अपने को यहां पे स्टैंडर्ड्स निकालने थे सो दैट वॉज वट एवर वॉज आर ऑब्जेक्टिव इन ऑल सच क्वेश्चन थिंग एंड दैट इज जो वरायंस आपको दिया हुआ है उसका फॉर्मूला अपने दिमाग में सोचो जब सोच रहे हो तो सोचो कि अपने पास कौन कौन सा डेटा है अगर एक ही मिसिंग फिगर है देन इन दैट केस यू ऑल शुड यूज दैट वरायस एंड फाइंड आउट द मिसिंग फिगर धीरे 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 थिंग्स विल स्टार्ट टू गेट अनफोल्डेड सम तुम्हारा खत्म हो जाएगा नॉट अ प्रॉब्लम अगर कभी ऐसा लगे कि सर दो मिसिंग फिगर्स हैं तो एक चीज ट्राई करना बिफोर यू लीव दैट ओपन द ब्रैकेट एंड देन ट्राई टू थिंक कि तुम्हारे पास डेटा है कि नहीं ओके okay, अगर तुम्हारे पास डेटा है इन दैट पर्टिकुलर केस कभी कभी क्या होता है ब्रैकेट खोलते हो ना समथिंग्स गेट मल्टीप्लाइड आपके पास इंडिविजुअल डेटा ना हो शायद आपके पास कंबाइंड डेटा हो तो दैट विल वल्सो सर्व द पर्पज ऐसा आपने बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर हुआ है ओके okay, बस और एक चीज कभी भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हो प्लीज आइडेंटिफाई करो सम इज ऑन के कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग इस क्वेश्चन के अंदर क्या था दिस इज नॉट कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द बराइंसिस दिस इज नॉट द कंप्लीट लिस्ट दीज आर जस्ट

In such uh, problems, I prefer to think like this. What? I prefer to think like this. So, uh, I think of a variance whose answer I have. Example, say price variance. Okay.

That's it about this particular question. Okay, question Okay, दैट सेट अबाउट दिस पर्टिकुलर was exactly like that only. लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ एक reverse था and that particular reverse thing was. यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन के अंदर ना यहाँ पर वराइंसेस थे ठीक है और अपने पास स्टैंडर्ड डेटा था और अपने को एक्चुअल डेटा इस फॉर्मैट के अंदर वो डालने का था एक्जैक्टली लाइक दस द प्रीवियस क्वेश्चन ओनी ओके जो भी variances वो दिए हुए करने का स्टार्ट करो एंड धीरे 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 द थिंग्स विल स्टार्ट टू अनफोल्ड यहां पे भी एफिशिएंसी था कैपेसिटी था फिक्स स्टोरेज का सो सम वॉज ऑन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इस सम के ना एक चीज गलत दिया हुआ था सेल्स वॉल्यूम दिस सेल्स वॉल्यूम हैड टू बी इंटरप्रेटेड एज प्रॉफिट वॉल्यूम अपने को कैसे पता चला कि उसको ऐसा ही इंटरप्रेट वो करना है बिकॉज दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट वॉज सपोज टू बी अ टैली ड्रीको स्टेटमेंट अगर ये एक टैली ड्रीको स्टेटमेंट था टैलीस

तो दिस स्टेटमेंट टैलीज बजटेड प्रॉफिट विद एक्चुअल प्रॉफिट प्रॉफिट सो ऑब्वियसली बीच में विल विल बी कमिंग बेटा सेल्स 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 वॉल्यूम टैली बजटेड विद एक्चुअल नो ओके ये हो गया तुम्हारा ये वाला चीज फिर उसके बाद तुम्हारा एक यहां पे बेस्ट क्वेश्चन था आई स्टिल थिंक दिस वॉज लाइक यू नो ऑन अ सेल्स मैन ओके नाउ एक सेकेंड जो आपका पिछला वाला क्वेश्चन था इट इज अ प्रॉब्लम ऑन मिसिंग फिगर सो स्टैंडर्ड डेटा इज गिवन

There are many salesmen, and all those salesmen, in fact, four of the salesmen A, B, C, and D, these are not four products, these are four salesmen.

तो अपने को यहां पर क्या करने का था? तो अपने को हर बंदे का sales का टारगेट जानने का था तो अपने को कैसे मिलता है इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम टोटल सेल्स वैल्यू बराय इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स ओके तो अपने को ये वाला चीज मिसिंग फिगर के तौर पे चाहिए अपने को अगर ये वाला चीज के तौर पे चाहिए ओके, एक so, so, thought, this, के क्या दिया हुआ था जितना भी सेल्स बंदा रियालिटी के अंदर करेगा उसका फाइव परसेंट बिल बी दमीशन सो देस तो आपके पास एक्चुअल था डिड बाई फाइव परसेंट किया तो so, अपने को यहाँ पर मेरे ख्याल से आ, ये जो था एक्चुअल सेल्स वो मिल गया लेकिन अपने पास ये वाला चीज़ नहीं था अगर ये चीज़ नहीं था तो लेकर आओ ये वाला चीज अपने को कैसे मिलेगा तो इसका ब्रेकअप क्या होता है सेलिंग प्राइस वरायंस और उसके बाद सेल्स वॉल्यूम बरायंस अपने पास दोनों चीजें था अपने पास सेलिंग प्राइस वाइंस भी था अपने पास सेल्स वॉल्यूम बरायंस भी था दोनों को एडअप किया तो फोर्टीन हंड्रेड एडवर्स आ गया फॉर सेल्स मैन ए सेम थिंग फॉर द अदर पर्टिकुलर पीपल ऑल्सो ओके एंड आर जॉब गॉट ओवर ओके अपने पास ये वाला बरायंस आ गया अपने पास ये वाला डेटा आ गया दिस वॉज अ बैलेंसिंग फिगर ओके ये वाला चीज तुम्हारा फर्स्ट काम था ठीक है फिर उसके बाद के कहना आपने वो क्या चाहिए था ऑल्सो फाइंड आउट एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाई ईच सेल्समैन हर बंदे ने हर सेल्समैन ने कितना प्रॉफिट या फिर कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कमा के दिया वैसे भी क्वेश्चन के ना कोई फिक्स कॉस्ट नहीं था सो कॉन्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट विल बी मीनिंग द सेम पर्टिकुलर थिंग ओनी तो फिर आप उन लोगों ने तभी क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट वराइसिस यूज करने स्टार्ट कर दिए तो प्रॉफिट वराइंसिस कैसे कंप्यूट होता है बेटा टोटल नेट प्रॉफिट वराइंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑफ ईच सेल्समैन माइनस इन दिस केस एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ ईच सेल्समैन ठीक है तो अपने को ये सब कुछ चाहिए था ओके अभी ये जो स्टैंडर्ड प्रॉफिट है एक सेकंड मेक इट बिथ स्मॉल क्योंकि इट इज सो स्टैंडर्ड प्रॉफिट माइनस इन दिस केस एक्चुअल प्रॉफिट अभी स्टैंडर्ड प्रॉफिट वो कैसे मिलेगा हर सेल्समैन का स्टैंडर्ड सेल्स था अपने पास ओके okay, वो अपने को यहां पर भी मिला था माइनस उस स्टैंडर्ड सेल्स का स्टैंडर्ड कॉस्ट था इधर तो अपने को डिफरेंस यहां पे स्टैंडर्ड प्रॉफिट वगैरह वो मिल गया ठीक है तो दिस पर्टिकुलर थिंग वी गॉट अभी अपने को टोटल नेट प्रॉफिट बरायंस चाहिए था लेकिन अपने पास टोटल नेट प्रॉफिट बरायंस वो नहीं था तो अपन लोगों ने क्या सोचा यार टोटल नेट प्रॉफिट बरायंस का दो पार्ट होता है नेट प्रॉफिट बरायंस ड्यू टू चेंज इन सेल्स वो सॉरी थोड़ा सा वो मेसअप हो रहा है नेट प्रॉफिट वराइंस डू टू चेंज इन कॉस्ट ओके नेट प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन कॉस्ट अपने पास ना चेंज इन कॉस्ट के लिए कोई डेटा नहीं था वी टू बी जीरो नेट प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन सेल्स का दो पार्ट होता है क्या दो पार्ट होता है बेटा सेलिंग प्राइस वराय और उसके बाद प्रॉफिट वॉल्यूम बराइंस आपके पास इस क्वेश्चन के ना सेलिंग प्राइस वराइंस था लेकिन प्रॉफिट वॉल्यूम बरायस नहीं था ठीक है तो इन दैट पर्टिकुलर की सेलिंग प्राइस वरायंस था प्रॉफिट वॉल्यूम बरायंस वो नहीं था तो चलो जो था वो तो लिखा लेकिन ये वाला चीज भी तो चाहिए प्रॉफिट वॉल्यूम एंड सेल्स वॉल्यूम आर नॉ कनेक्टेड टू इच अदर इफ देर इज मोर देन वन प्रोडक्ट इस क्वेश्चन के न एक से ज्यादा प्रोडक्ट था सो देफो देआर नॉट कनेक्टेड तो हम लोगों ने सोचा लेकर तो आने का है तो फिर इसका ब्रेकअप किया इसका ब्रेकअप क्या होता है बेटा प्रॉफिट मिक्स बराइंस और उसके बाद प्रॉफिट क्वान्टिटी बराइंस क्वेश्चन के अंदर अपने पास प्रॉफिट मिक्स फराइंस तो था लेकिन प्रॉफिट क्वांटिटी नहीं था लेकिन प्रॉफिट क्वांटिटी के बदले में अपने पास सेल्स क्वांटिटी बरायंस था सो दे फोर सेल्स क्वांटिटी से हम लोगों ने हमारे नोट्स यूज करके जो मैंने इंट्रोडक्ट्री लेक्चर्स के अंदर वो दिए थे कि सेल्स क्वांटिटी और प्रॉफिट

क्योंकि इस क्वेश्चन के ना जो मेजर पार्ट था ना वो इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट था वो एनालिटिकल पार्ट था ओके okay, तो सुनो इट्स अ प्रॉब्लम ऑन मिसिंग फिगर्स प्लस अ केस स्टडी प्रॉब्लम देर इज मोर देन वन प्रोडक्ट एंड देयर फोर सेल्स वॉल्यूम एंड इच अदर बट सेल्स क्वांटिटी एंड प्रॉफिट क्वांटिटी आर लिंक टू इच अदर देर आर फोर सेल्समैन इन ईच ऑफ देम कमीशन एट द रेट ऑफ फाइव एक्चुअल

स के अंदर इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ पर सेल्समैन एक मिनट सेल्स वैल्यू बराइन्स के ऊपर इसलिए जज कर रहे हैं बिकॉज इफ आई जज अ पर्सन ओनली बेस्ड अपॉन सेलिंग प्राइस ही वुड लाइक टू इंक्रीज द प्राइस ओके और उसकी वजह से वॉल्यूम कम हो जाएगा बट इफ़ ही विल बी जज ओनली बेस्ड अपॉन सेलिंग प्राइस ओके इट विल बी रॉन्ग नो ओके उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा लेकिन कंपनी विल गो डाउन सेम वे आई कैन नॉट जज अ पर्सन ओनली बेस्ड अपॉन सेल्स वॉल्यूम वॉल्यूमस क्योंकि अगर उसको वॉल्यूम वराय और फेवरेबल करना है प्राइस कम करके वॉल्यूम वो बढ़ा डालेगा अ शुड बी इन चार्ज ऑफ द प्राइस एज वेल एज अ वॉल्यूम तो हम लोगों ने ये दोनों के टोटल को यूज किया इन दोनों का टोटल बोले तो सेल्स वैल्यू वराय ओके हम लोगों ने वो वाला सिस्टम यूज किया ये तीनों क्राइटेरिया के ना जरा सोचो अल्टीमेटली तो सेल्स ही अच्छा आ रहा था सेल्स ही वैल्यूएट होता है के ना सी सबसे अच्छा आ रहा था फिर हम लोगों ने सोचा एक और क्राइटेरिया यूज करेंगे नेट प्रॉफिट वराय डू टू चेंज इन सेल्स लेकिन उस क्राइटेरिया के हिसाब से ना डी का जो परफॉर्मेंस था वो सबसे अच्छा था देन वी स्टार्टेड टू थिंक यार ऐसा क्यों हो रहा है कि ना कई क्राइटेरिया के हिसाब से सी अच्छा आ रहा है सो सी इन दिस पर्टिकुलर केस इज बीइंग बेस्ट लेकिन कोई और क्राइटेरिया के हिसाब से डी अच्छा आ रहा है तो अपने को रियलाइज हुआ फर्स्ट थ्री क्राइटेरिया फोकस ऑन सेल्स ओनी तो सी का परफॉर्मेंस सेल्स के अंदर अच्छा है लेकिन डी का परफॉर्मेंस प्रॉफिट के अंदर अच्छा है ओके तो इन दिस केस सेल्समैन लोगों की कोई गलती नहीं है ओके एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड विल ऑलवेज वांट मोर मनी मोर मनी विल कम यू ऑल सेल मोर ओके लेकिन हम लोगों ने सोचा ऐसा जो डिफरेंस है ना बेटा वो क्यों हो रहा है ओके देन वी स्टार्ट टू रियलाइज दैट एक मिनट उससे पहले आई सी दिस टू क्वेश्चन विद सेल्समैन हैज परफॉर्म बेस्ट फॉर द कंपनी दैट सेल्समैन हैज परफॉर्म बेस्ट फॉर द कंपनी वेर एवर इन दिस पर्टिकुलर केस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वॉज हाई सो डी हैज़ परफॉर्म बेस्ट विद सेल्समैन हैज परफॉर्म बेस्ट फॉर हिमसेल्फ जिस बंदे ने सबसे ज्यादा कमीशन कमाया, सो सी वॉज अ बेस्ट बट देन कमेंट ऑन यूज एज अ कमीशन एज एन इंसेंटिव सिस्टम अभी यहां पर व्हाट डिड वी स्टार्ट टू बी रियलाइजिंग की ना जो बंदा सबसे ज्यादा कंपनी को कमा के दे रहा है यार उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए तो डी वॉज अर्निंग हाईएस्ट फॉर द कंपनी डी शुड हैव गॉट अमाउंट ऑफ ऑफ कमीशन कमीशन बट इन टर्म्स नो डी इज एक्चुअली रैंकिंग थ्री तो अपने को क्या रियलाइज हुआ यार कंपनी का ना कमीशन सिस्टम गलत है कंपनी इज इन दिस केस ट्राइंग टू गेव फ्लैट फाइव परसेंट कमीशन ऑन ऑल द प्रोडक्ट ओके इसके अंदर क्या हो जाएगा कंपनी वुड ऑलवेज लाइक टू इंकरेज द सेल्समैन टू सेल दो प्रोडक्ट्स मोर विच हैव हायर सेलिंग प्राइस क्योंकि अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो ऑटोमैटिकली कमीशन भी ज्यादा होगा बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ प्रोडक्ट दैट हैज हायर सेलिंग प्राइस विल भी गिविंग द कंपनी मोर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो एंड दैट वी रियलाइज थ्रू प्रॉफिट मिक्स एंड सेल्स मिक्स ओके यहां पर क्या हो रहा था कि ना सेल्समैन सी का but तो वो वो की तरफ रेशो वो रहे, जिनका सेलिंग प्राइस ज्यादा है लेकिन उन प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट कम होगा इसलिए उसका प्रॉफिट मिक्स वर्स हो जाता है एंड डीज ट्राइन टू बी डूइंग रिवर्स डीज ट्राई टू सेल दो मोर हु प्राइस इज लोअर बट प्रॉफिट इज हायर ओके तो यहां पर अल्टीमेटली

प्रॉफिट जिन प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट सबसे ज्यादा है सेल्समैन को उनके लिए कमिशन भी सबसे ज्यादा मिले ऑटोमैटिकली वेन गेट प्रमोटेड कंपनी विल बी एबल टू अर्न हाई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सो इंस्टेड ऑफ हैविंग सिंगल रेट लाइक दिस ट्राई टू अ डिफरेंशियल रेट लाइक दिस ओके दिस वॉज योर पार्ट सिक्स ओके तो यहां पर देखो वही लिखवाए वी रियलाइज दट ऑन द बेज ऑफ सेल्स सीज द बेस्ट बट बेस्ड अपॉन प्रोफिट डी इज द बेस्ट वी ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन वी रियलाइज दैट For C, sales makes finance is favorable, but profit makes finance is adverse. Hence, C sells those particular products which have higher selling price, but those products must be having lower profit. For D, it is reverse. This is against the principle of goal congruence. Internal pricing can there be that is what employees want does not match with what the companies want, and vice versa. Okay. फाइनली वी रिकमेंड दैट कंपनी शुड है सिस्टम वेयर बाई द प्रोडक्ट विच हैव हायर प्रॉफिट शुड फेच द सेल्स मैन हायर अमाउंट ऑफ कमिशन ऑल्सो ओके दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑल डन ओके हो गया तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन ओके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने भी मार्क्स के लिए आ सकता है ओके उसके बाद आप लोगों ने यहां पर क्वेश्चन नंबर थर्टी किया था ओके okay? अब वन स्टार क्वेश्चन था लेबर का ये वाला वराइंस था ये वाला वराइंस था ये वाला वराइंस था ओके okay? और उसके बाद एक ओवर एड एफिशिय वराय भी था वी ट्राई टू पुट द थिंग्स इन फॉर्म ऑफ अ ट्री डायग्राम की कौन से वराय के अंदर क्या क्या सब कुछ आता है अपने पास यहाँ पे ओवर एड एफिशिय

यहां पर वट वी ऑल थाट कि फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर वी ऑल थाट एज स्टैंडर्ड्स ओके फर्स्ट ईयर वी था एज स्टैंडर्ड्स सेकेंड ईयर इन दिस पर्टिकुलर केस वॉज एक्चुअल एंड वी हैड टू ट्राई टू बी सेंग कि प्रॉफिट क्यों चेंज हुआ सो दे फोर ईयर वन का प्रॉफिट अगर वो निकालोगे ना फाइव लाख रुपीज का था ईयर टू के अंदर लॉस हो गया था फोर लैक्स ,00 का वी हैड टू ट्राई टू बी कि सेंगे लाख रुपीज से प्रॉफिट क्यों कम हो गया तो आप एक काम करो आप रिको स्टेटमेंट बना लो ओके रिको स्टेटमेंट के अंदर सारे के सारे रीजन यू ऑल विल गेट नो प्राइस की वजह से क्या हुआ वॉल्यूम की वजह से क्या हुआ मटेरियल की वजह से क्या हुआ ऑल दोज पर्टिकुलर थिंग्स लेकिन ना इस क्वेश्चन के ना आपके पास क्वांटिटी करके कुछ नहीं था रेट करके कुछ नहीं था सो दिस वाज अ क्वेश्चन कंप्लीटली टू बी सॉल्व विद परसेंटेजेस एंड हाउ डिड आई टीच यू दैट पर्टिकुलर थिंग इट वाज समथिंग लाइक दिस एक्जाम्पल तुम्हारा सेलिंग प्राइस बार्स कैसे कंप्यूट होता है स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस इनटू इन दिस पर्टिकुलर केस एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड ओके अपने पास ना ये था अपने पास ना ये था ना ये था सो वट आई टोल्ड यू लेट्स ओपन द ब्रैकेट्स ओके अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड ओके तो वी ओपन अप द ब्रैकेट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस इन एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड एक्चुअल बोले तो सेकंड ईयर का डेटा तो अपने पास एक्चुअल सेलिंग प्राइस नहीं था एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड भी नहीं था लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल सेल्स था अपने पास एक्चुअल सेल्स बोले तो सेल्स ऑफ यू तो अपने पास ये वाला फिगर था वन ट्वेंटी पॉइंट सिक्स लैक्स अभी फर्स्ट वाला फिगर किधर से लेके आए तो सामने अपने क्या बोला था दै जूरिंग दिस ईयर नो सेलिंग प्राइस एट इंक्रीज बाई ट्वेंटी परसेंट मतलब दिस फिगर वॉज वन ट्वेंटी परसेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर फिगर सो वट आई टोल्ड यू ऑल आफ्टर दैट बेटा ये वाला टर्म तो दोनों जगह पर सेम है इसकी वजह से तो कोई फर्क नहीं होगा तो जो भी फर्क होगा बिटवीन दिस टर्म एंड दिस टर्म विल बी बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइज एंड एक्चुअल सेलिंग प्राइस इफ दिस फिगर इज ट्वेंटी परसेंट मोर देन दिस दिस एंटायर फिगर विल बी ट्वेंटी परसेंट मोर देन दिस सो दे फोर फर्स्ट पर्टिकुलर फिगर विल बी नथिंग बट सेकेंड फिगर इन दिस केस डिवाइडेड बाय 120 परसेंट ओके सो दे आप लोगों ने क्या किया 129.6 लाख डिवाइडेड बाय 120 परसेंट जैसे ये वाला चीज किया अपने को यहां पर जो फर्स्ट वाला नंबर है वो मिल गया दैट वाज कुछ 108 लाख एट 129.6 माइनस वन ट्वेंटी सो दे वी गॉट अ फर्स्ट वराइन ट्वेंटी वन एक्चुअल फिगर वॉज हायर सो दे दिस वराइन वॉज द ओनली थिंग दट आई थिंक वैन आई ट्राई टू सॉल्व सच क्वेश्चन था कि मेरे को रिको स्टेटमेंट कंप्लीट करने का है एक बार रीको स्टेटमेंट कंप्लीट कर दिया उसमें सारे के सारे रीजन तो आई जाएंगे सेकंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड अपन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ऑल्सो मार्जिनल कॉस्टिंग ऑल्सो आई सॉल्डेड यूजिंग बोथ ऑल दो इन एग्जाम्स आई टोल्ड यू ऑल सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग ही करना ठीक है लेकिन ये से प्रॉफिट वॉल्यूम होएगा या कॉन्ट्रीब्यूशन होएगा उसके लिए ना देखो कोई भी वॉल्यूम कैसे कंप्यूट होता है कितना यूनिट्स बेचना चाहिए था माइनस कितना यूनिट्स बेचा तो उसके लिए ना मेरे को क्वांटिटी के अंदर क्या चेंज हुआ मेरे को वो वाला चीज चाहिए था तो मैंने क्या सोचा फर्स्ट ईयर का सेल्स वन ट्वेंटी था बेटा ओके वन ट्वेंटी लैख का जो सेल्स है क्यों बदलेगा सर सेल्स इज मल्टीपीकेशन ऑफ टू थिंग्स सेलिंग प्राइस एंड वॉल्यूम या, या तो सेलिंग so kind of okay, तो प्राइस बदलेगा या वॉल्यूम बदल जाएगा तो सेलिंग प्राइस इन दिस पर्टिकुलर केस इंक्रीज बाय 120 ट्वेंटी नेक्स्ट ईयर वन ट्वेंटी ये वाला इक्वेशन इसलिए काम कर लेता है क्योंकि इस क्वेश्चन के ना एक ही काइंड ऑफ प्रोडक्ट है ओके तो इन एनी केस एक ही टाइप ऑफ प्रोडक्ट है यूसी का सेल्स है उसके ना चेंज क्यों हो सकता है यहाँ प्राइस बदलेगा क्वांटिटी बदलेगा ओके okay, प्राइस का इंक्रीज था तो यहाँ पे एक्स जो था

तो कुछ ऐसा हो गया था कि ना यहां पर मैंने ब्रैकेट वो खोल दिया ओके जब ब्रैकेट खोला तो एक सेकेंड तेरा फर्स्ट टर्म बेटा क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी टू बी सोल्ड इंटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इंटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट ओके नाउ दिस वॉज योर सेकंड टर्म अभी मेरे पास ना फर्स्ट वाला टर्म था स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रॉफिट विल गिव यू स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑफ ईयर वन स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑफ ईयर वन

तो दिस फिगर वॉज नाइन्टी परसेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर फिगर सो दे दिस नंबर विल बी नाइनटी परसेंट ऑफ दिस सो दे फाइव लैक्स माइनस फोर एंड हाफ लैक्स दिस पर्टिकुलरिगर वॉज फिफ्टी थाउजेंड एक्चुअल फिगर वॉज लोअर सो देव फोर दिस पर्टिकुलर बराइंस वॉज एडवर्स ठीक है ये हो गया था तुम्हारा प्रॉफिट वॉल्यूम बरायंस उसके बाद बस एक चीज दैट आई हैव टू बी सेम मटीरियल एंड लेबर डिपेंड अपॉन आउटपुट याद रखना ईयर वन और ईयर टू का जो आउटपुट था ना दैट वॉज नॉट सेम ईयर वन का आउटपुट अगर 100 परसेंट था तो ईयर टू का आउटपुट वाज ओनली 90 परसेंट सो ये वाला डेटा विल नॉट बिकम स्टैंडर्ड फॉर अस फॉर मटेरियल क्योंकि यू हैव टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड डेटा एक्चुअल आउटपुट तो ये वाला जो मटीरियल कॉस्ट है ना एटी लैस ये तुम्हारे गिवन स्टैंडर्ड के अंदर आएगा रिवाइज स्टैंडर्ड के अंदर नहीं आएगा रिवाइज स्टैंडर्ड के अंदर ना इसका नाइनटी परसेंट आएगा बिकॉज यू ऑलवेज प्रिपेर रिवाइज स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट एक्चुअल आउटपुट बोले तो आउटपुट ऑफ ईयर टू सेम थिंग इन दिस पर्टिकुलर केस फॉर लेबर ऑल्सो तो लेबर के लिए ट्वेंटी लाख रुपीज विल नॉट बी द फिगर एटीन लाख रुपीज विल भी द फिगर एज सच ओके देट्स इट ओके okay, फिर उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड्स के अंदर अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम एक्सपेंडिचर वॉर वॉज वेरी सिंपल क्योंकि फिक्स टोरेज आर डिपेंडेंट अपॉन द पीरियड नो कितना खर्चा होना चाहिए था कितना खर्चा हो गया सो so थ्री एंड हाफ लाख रुपीज़ एडवर्स ओके okay, और वॉल्यूम वरान जो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर ही आएगा कितना यूनिट्स बेचना चाहिए था माइनस कितना यूनिट्स बेचा इंटू एब्जॉप्शन रेट पर यूनिट वो ब्रैकेट खोला तो अपने को उसके आंसर जो है वो मिल था ओके दैट वॉज इट अबाउट क्वेश्चन नंबर थर्टी वन एक बार थर्टी वन जो है उसका शॉर्ट जो है वो पढ़ देता हूँ इट्स अ प्रॉब्लम वेयर परसेंटेजेस आर यूज टू कम्प्यूट मोस्ट ऑफ द थिंग्स स्टैंडर्ड इज द डेट ऑफ ऑन एक्चुअल डेटा एक्चुअल इज द डेट ऑफ इव सेल्स ऑफ इयर वन एंड चेंज इन सेलिंग प्राइस एंड सेल्स ऑफ यू फाइंड क्वानिटी चेंज एज कम्पेयर टू ईर वन जो अपना वो नाइनटी परसेंट आ गया वो मैंने यहाँ पे वार्ट्स के अंदर भी दिखाया हुआ है सेल्स ऑफ ईयर वन इंटू सेलिंग प्राइस चेंज इंटू क्वान्टिटी चेंज एल बी द बैलेंसिंग फिगर विल बी गिविंग यू सेल्स ऑफ यू तो अपना वो नाइन्टी परसेंट आ गया था कंप्यूट सेलिंग प्राइस बराइनस है जो मैंने शुरू में डेमोस्ट्रेट किया स्टैंडर्ड से प्राइस इंटू एक्चुअल क्वानिटीज होल्ड माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस इंटू एचुअल क्वान्टिटीजीड मैंने उसका लॉजिक भी यहाँ पर तो वो बताया हुआ है वी हैव सेल्स ऑफ सेकंड ईयर ये वाला फिगर 129.6 ट्वेंटी देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन टर्म 1 दिस इज टर्म 1 एंड टर्म 2 एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज सेलिंग प्राइस हैज इंक्रीज्ड बाय 20% ओके हेंस द सेकंड टर्म विल बी हायर देन द फर्स्ट टर्म बाय 20% ओके सो देयरफॉर सॉरी हेंस द सेकंड टर्म विल बी हायर देन द फर्स्ट टर्म बाय 20% सो दिस फिगर इज सपोज टू बी 120% ऑफ दिस तो आप लोग 100% जो है तो वो वाला फिगर निकाल देना फॉर मटेरियल एंड लेबर वी हैव टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट दर इज एक्चुअल आउटपुट ऑफ ईयर 2 फाइंड सॉरी रेस्ट मटीरियल प्राइस इंक्रीज एंड लेबर रेट इंक्रीज इज गिवन लाइक सेलिंग प्राइस वरायंस मटेरियल प्राइस फरायंस एंड लेबर रेट वरायंस कैन बी फाउंड आउट ओके इट इज एग्जैक्टली लाइक जैसे आप लोगों ने वो सेलिंग प्राइस वराइंस में निकाला था तुमको लेबर रेट और मटेरियल प्राइस फरायंस के ना कोई भी दिक्कत नहीं आएगा फॉर मटेरियल यूसेज एंड लेबर एफिशियंसी वना विल रिक्वायर स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट विच इज़ नाइनटी परसेंट ऑफ ईयर वन कॉट मैंने तुम लोग को वही बोला कि मटीरियल और लेबर का जब स्टैंडर्पेयर होता है ना तो स्टैंडर्ड कैसे प्रिपेयर होता है इट इज ऑलवेज स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चअल आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट मीनस एक्चुअल आउटपुट ऑफ ईयर टू उसके बाद फिक्स्ड वाज वेरी ओके दैट इन फैक्ट फार मोर इजीियर क्योंकि यहां पे आप क्वांटिटी रॉ मटेरियल का और आर्स जो था वो आप लोगों को देके रखा हुआ है बस दैट्स इट ओके तुम्हारा इससे जो काम है वो हो गया ठीक है विद दिस वी फिनिश ऑल दोस पर्टिकुलर क्वेश्चंस ओके जहां पर अपने यूजुअल वगैरह काम में आते हैं इसके बाद जो अपना काम स्टार्ट हुआ था दैट वाज ऑल अबाउट स्टॉक्स वगैरह फॉर सम टाइम ओके बट फॉर दिस लेक्चर आई थिंक आई विल फिनिश ओवर हियर ओके इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट अवे विद व्हाट हैपेंस इन दे आर मटीरियल स्टॉक्स दे आर डब्ल्यू स्टॉक्स एंड देर आर फिनिश ओके So I'll see you all in the next lecture. Let me just try to remind you that notes of these lectures do come first of all on our Telegram channel, and then in this case, like you know, at other places. Apart from that, the videos also first of all come on the Telegram channel, and then at the other places. Okay, I'll see you all next time. Take.